गांव के युवक पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के फतेहपुर जिले के जाफरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले शिकायतकर्ता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री खेतों में काम करने गई थी कि तभी गांव के ही युवक के द्वारा उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई और पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो शोर मचाया तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया कि इस घटना की सूचना पीड़ित द्वारा जाफरगंज थाना में दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया है कि 24 सितंबर को पुनः आरोपी ने शौच क्रिया के लिए गए नाबालिग बेटी को खेतों में गन्ने में दबोच लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। ये डालते हैं पीड़िता के एक बयान पर नजर, क्या कहना है उसका हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो। हम लोग तिली काटने खेत में तिली काटने गए थे, तिली काट के बांध के ट्रैक्टर लेकर आया था पीपे सिंह, वो हमसे बोल रहा था कि बोझ उठवा था, तो बोझ उठाने हम गए थे तो बोझ उठा के और फिर वो बोझ ने उठाया वो हम पकड़ लिया, पकड़ के वो हमारे साथ जबरदस्ती करने लगा, मंसरी में आँख लगाने लगा और आगे पीछे आँख लगा के फिर भग गया, बोला गाड़ी देने लगा, गाड़ी देने लगा, किसी से बताओ कि तो जान से मार दूंगा। थाने गए क्या हुआ? फिर जब हम लोग दूसरे दिन गए थे लैटरिंग करने तो वो हमारे गन्ने के खेत में गए थे, गन्ने खेत में वो हमसे पीछे से पकड़ लिया, बलात्कार करने की कोशिश की, बलात्कार करने में नाकाम रहा, जब हमने शोर मचाया तो जो लोग रास्ते से जा रहे थे उसने उन लोगों ने आया, जब तक वो भाग गया गाली दे करके किसी से बताओ कि तो थाने गए तो क्या हुआ? थाने गए थे तो थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन सा थाना है? जाफरगंज। आज कहाँ पे आई हैं आप? हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।